मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बहुत चर्बी चढ़ गई, भागेगी भागेगी बोल, भागेगी भागेगी बोल, भागेगी 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 नहीं। हाँ ठीक है, आई। क्या बोला वो, आ रहा है ना? बोला तो है आ रहा है। तेरा उस अंधेरे में दम घुट रहा है ना? हाँ रुक रुक, ये ले ये ले ये ले, चल चल इसको अंदर अंदर लेके जा जा जा। रेखा क्या करे, जाए या नहीं? हाँ माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप चलिए चलिए। किधर है तू? अगर तू अंदर है तो जवाब देना। ए लड़की, ए लड़की बोल ना। ज्यादा देर तक उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तू फटाफट सब्जी ले और घर चली जा, मैं मंदिर जाके आती हूँ, 15 मिनट में आ जाती हूँ। सुन, दोबारा कोई गलती नहीं होना चाहिए, समझी ना? मेरा फोन तो ये तोड़ ही चुका है, अब तेरे फोन के पीछे पड़ा था, पता नहीं किससे फोन कर रहा था, मैंने छीन के काट दिया। ये ले तेरा फोन। किससे बात कर रहा था अर्शद? पूरा घर छान मारा, अंदर कोई नहीं है। सर सब जगह चेक किया, अंदर कोई नहीं है। तुम्हारा पति कहाँ है? वो यहाँ नहीं रहता? यही रहते हैं साहब, वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही आते हैं, उनको काम के वजह से घूमना पड़ता है साहब। शायद फेक कॉल होगा, हमारे वजह से आपको तकलीफ है, सॉरी। साहब कंप्लेंट किसने की? कंप्लेंट करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। झूठा फोन किया होगा। ठीक है चलो। Thank you.
लोग? सॉरी, मुझे लगा कि आप वो नहीं हो। सॉरी। साहब, रोशनी। तुम सब एक ही जगह काम करती हो? हाँ साहब, हम सब एक ही जगह काम करते हैं। किसके पास? मतलब मालिक कौन है? सुमनक का नाम है मेरा, उसे नाम से सब बुलाते हैं। ये रोशनी तुम्हारे लिए काम करती थी ना? हाँ साहब, बहुत अच्छी लड़की थी। कभी शानपत्ती नहीं की उसने मेरे साथ, और पैसा भी बहुत कमाती थी। लेकिन मेरी बदकिस्मती, मेरे पे कौन सा भूत आया, मैंने बेच दी उसको। क्या, बेच दिया? हाँ। किसको, कब बेचा? यही 4 दिन पहले। तो उसको आशिक आता था ना, उसी को। किसको तुमने बेचा, उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर है तुम्हारे पास? हाँ साहब, देती हूँ ना। रणधीर शर्मा, रोशनी को क्यों मारा तुमने? सर, मैं उसे क्यों मारूंगा, मैं प्यार करता था उससे। सर, उसने एक बार बोला कि उसे वहां नहीं रहना, मैं निकाल लाया उसको वहां से। जहां से तू उसे निकाल लाया, वहां से लड़की निकालना आसान बात नहीं है। सर, अक्का को पैसे दिए थे मैंने, तब जाकर उसने रोशनी को मेरे साथ जाने दिया। मतलब तूने इसे खरीद लिया था? सर, आप ऐसे कह सकते हैं, पर मेरे लिए रोशनी की आजादी की कीमत थी वो। ये फिल्मी डायलॉग मुझ पे मत मार। कितने पैसे दिए थे? 3 लाख रुपए। जिस दिन फर्स्ट टाइम मैं उसे घर लेकर आया। आओ रोशनी, आज से ही हमारा घर है, अब से हम यहीं रहेंगे। थैंक यू रणबीर, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, ये घर, ये जिंदगी। लेकिन अगर मैं आपसे एक चीज और मांगू तो क्या आप देंगे? हाँ हाँ, बोलो, क्यों नहीं। मेरा एक पुराना काम अधूरा रह गया है, अगर आप पुराना माने तो क्या मैं उसे पूरा करके वापस आऊं? मुझे लगा कि किसी पुरानी फ्रेंड से मिलने गई होगी, तो मैं अक्का के यहाँ गया देखने की, क्या पता वो वहाँ हो। पर पता चला कि वो वहाँ भी नहीं आई। कहानी अच्छी बनाई तुमने, दुआ कर यही सच हो। तुम लोग तो उसकी दोस्त थी ना, तुम्हें तो उसने बताया होगा यहाँ आने से पहले वो कहाँ थी। हाँ साहब, दोस्त तो थी, मगर इसके पहले वो किधर रहती थी, क्या करती थी, किसी को कुछ नहीं पता साहब। लेकिन हाँ साहब, एक बात, उसको अंधेरे से बहुत डर लगता था, वो हमेशा रात को भी खोली की लाइट ऑन करके सोती थी। हाँ साहब। और साहब, एक बार वो बोली थी कि उन लोगों ने उसको संदूक पे काफी दिनों तक बंद रखा था। साहब, ये मेरा बेटा है हर्षद, इसको आपको कुछ बताना है। बोलो बेटा, क्या बताना चाहते हो? जी, तुम कौन हो? यहाँ पे तो दो औरतें रहती है ना? जी, मेरा नाम परेश गुप्ते है, ये मेरा ही घर है, बोलिए। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आपने किसी लड़की को संदूक में कैद करके रखा है। क्या साहब, ऐसी जानवरों जैसी हरकत कोई कैसे कर सकता है? हमारे पास तुम्हारे घर का सर्च वारंट है, पता चल ही जाएगा। चलो। सर, यहाँ एक संदूक था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सर, मैंने खुद देखा था पिछली बार। सर, अभी क्या, यहाँ कभी कोई संदूक नहीं था।
हाँ साहब, ये सच कह रहे, यहाँ कोई संदूक नहीं है। तुम्हारी माँ जी वो कहाँ है? साहब वो तो चारधाम की यात्रा के लिए गए हैं। सर मैंने तो पहले ही बोला था इस घर में कुछ नहीं मिलेगा, आप बेकार ही छानबीन किए जा रहे हैं। चलो ये गले में क्या है तेरे? लेटेस्ट फैशन है ना? अरे सर ये तो ऐसी आर्टिफिशियल चेन है, ये लॉकेट है। निकलो जरा, निकलो। ये लीजिए। लेफ्टी हो तुम? जी हाँ, पर क्यों? इसका जवाब तुम दोगे। मेरे साथ रहने के बाद भी उसने अब धंधा करना नहीं छोड़ा। जब मुझे शक हुआ तो उसका पीछा किया मैंने। मैं ये देख के बर्दाश्त नहीं कर पाया सर, जब वो वापस लौटी तो उसे ये तक याद नहीं था कि आज 30 तारीख का मेरा बर्थडे है। मैंने उसे याद दिलाया, उसे पार्टी के बहाने रेस्टोरेंट लेके गया जहाँ मैंने उसे शराब भी पिलाई। वापस आते वक्त मैंने गाड़ी ख़राब होने का नाटक किया। यार ये गाड़ी अचानक से क्यों ख़राब हो गई? अब चलो कोई बात नहीं, हम ऑटो से घर चलते हैं। तुम लोगों का यही प्रॉब्लम है, हर चीज की जल्दी रहती है। जल्दी से प्यार किया, जल्दी शादी करना चाहते थे, जल्दी से उसे मार भी डाला बिना उसे पूछे कि सच क्या है और जाने। हाँ क्या काम है, किससे मिलना है? वो आपसे ही काम था। अच्छा ठीक है, बाद में आना बेटा। हाँ जाओ, बाद में आना। अंदर और दो लोग हैं, उनको भी पुलिस स्टेशन लेके चलो। अंदर आना बेटे, यही लड़की थी जिसको तुमने देखा था? हाँ सर यही थी। शुक्रिया। प्लीज, हमने नहीं, इस बच्चे ने, हर्षद ने बचाया तुम्हें। साहब बच्चा नहीं है हम लोगों को, उधर गांव में सब लोग बाप दादा की जायदाद बांट रहे थे। हम लोगों से बोले कि तुम लोग क्या करोगे, इसका औलाद तो है नहीं। साहब इसलिए रोशनी को हम लोग लेके आए थे, पर वो भी कभी माँ नहीं बन पाई, इसलिए मजबूरन हमको उसको पावड़े को बेचना पड़ा साहब। अभी तो ऐसा लगता है साहब भगवान की यही मर्जी है, मेरा वंश कभी आगे नहीं पढ़ पाएगा। काश भगवान की मर्जी तुम लोगों को पहले समझ आती, दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। वैसे भी और कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जेल में वंश आगे नहीं बढ़ सकता।
हर्षद और विमला ने एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाया। हर नागरिक को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को लेकर भी सजग होना चाहिए। इस जिम्मेदारी का एहसास किसी की जान बचा सकता है, जैसे कि हर्षद ने महक की जान बचाई। परेश रेखा और हंसा गुप्ते को महक और रोशनी को बंधक बनाकर उन पर अत्याचार करने के लिए, और रणधीर जिसके प्यार में विश्वास की कोई गुंजाइश नहीं थी, उसे रोशनी के कत्ल के लिए कड़ी सजा सुनाई गई है। आज का ये केस हमें ये सीख देता है कि हम सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचें, और अगर कुछ भी गलत होता हुआ देखें तो पहल करें उसे दूर करने की, उसे रोकने की। हो सकता है कि किसी को उसकी जिंदगी का तोहफा वापस मिल जाए, महक की तरह। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।